We'll see you on the 10th June in Mumbai. At the Mumbai Music Festival at the Mata Hari Nightclub at Worli. Hi guys, this is DJ Atul aur aa raha hoon 10th of June Mata Hari Club Dholwa City DJ. हाँ, मेरा नाम अतुल त्यागी, मेरा इज़ अ टाइटल नेम और आई एम बिलोंग टू दिल्ली। दिल्ली में लगभग 4 से 5 साल पहले मैंने डीजे करियर की स्टार्ट करी और अब एक नया कॉन्सेप्ट लेके बॉम्बे शहर के अंदर मैं आया हूँ। मुंबई म्यूजिकल फेस्टिवल इज़ द शॉर्ट नेम इज़ MMF और ये थॉट मेरा बहुत पुराना था कि एक अच्छा बड़ा लॉन्ग टाइम म्यूजिकल एक इवेंट करना है और इस बार मुझे इवेंट करने का बॉम्बे में स्पेशली मौका मिला तो मैं बहुत खुश हूँ इस इवेंट के लिए। क्या है इवेंट? दस को मुंबई म्यूजिकल फेस्टिवल एक इवेंट है जिसमें नॉन स्टॉप 12 घंटे म्यूजिक प्ले होगा। अलग अलग जोनर के डीजेज होंगे, हर डीजे का अपना अलग जोनर है जिसमें सारे इंटरनेशनल डीजे हैं। मैं भी इंटरनेशनल डीजे हूँ क्योंकि मैं इंडिया से बाहर दुबई, न्यूयॉर्क, हांगकॉन्ग, नेपाल काफ़ी जगह प्ले कर चुका हूँ। सब डीजेस का जोनर सबका अलग है, कोई EDM प्ले करेगा, कोई बॉलीवुड प्ले करेगा, कोई ट्रांस प्ले करेगा। जो मेरा स्पेशली जो मेरा जोनर है वो ढोलवर्सी डीजेस का है जिसके अंदर बॉलीवुड और पंजाबी और अपनी बीट्स पे लोगों को नचाना मैं जानता हूँ। दिल्ली के हैं, ढोल में ढोल की बात करें, दिल्ली में हर शादी ब्याह में ढोल, तो ये कैसे आप जहन में आए या फिर बचपन से शौक था कि मुझे म्यूजिक में का शौक था। म्यूजिक सुनता रहता था, घर में भी म्यूजिक चलाना, गाड़ी में भी म्यूजिक चलाना, ऑफिस में म्यूजिक चलाना, इवन कि मैंने अपने ऑफिस में अपना ही म्यूजिक सेटअप रख रखा है। और ढोलवर्सी डीजे का कॉन्सेप्ट ये था कि लोगों को म्यूजिक के साथ एक कुछ अलग हटके चीज़ दी जाए कि अगर म्यूजिक ना हो तो कम से कम ढोल पे नाच सके। और हमारे नॉर्थ में कहावत है कि ढोलियों को लेके, ढोल वालों को लेके, कि अगर डिनेटर की आवाज़ में भी ढोल की आवाज़ आ रही हो ना तो वो लोग उस पर भी नाच लेते हैं, ढोल के साथ पैर उठते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही पैर मुझे बॉम्बे में भी उठाने हैं। तो इसमें कितनी भीड़ होगी और क्या रहेगा और ये कॉन्सेप्ट अराउंड मुंबई म्यूजिक, क्योंकि हर इंसान को लगता रहेगा म्यूजिक सुनना पसंद है। कुछ लोग ट्रांस सुनते हैं, कुछ लोग रॉक सुनते हैं, कुछ लोग EDM सुनते हैं, तो ये 12 घंटे का म्यूजिक 7 DJs वो अपना अपना जोनर बजाएंगे। जिसको ट्रांस सुनना है वो अराउंड लगभग जो ऑडियंस एक्सपेक्टेड ऑडियंस है लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों के एक्सपेक्टेड ऑडियंस है। इस शो से क्या उम्मीद है आपको? इस शो से मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है इस शो से कि एक नई चीज़, स्पेशली फॉर, मैं अपने लिए बोलूँगा, एक नई चीज़ इस शहर को दे रहा हूँ, इज़ द ढोलवर्सी डीजेस। सर, चढ़ते सूरज को सलाम है, बाहर से डीजे आता है उसको बहुत ही तजुर्ब दी जाती है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, होटल, बड़े बड़े महंगे टिकट बिके, लेकिन उससे अच्छे डीजे अपने इंडिया में हैं। बिल्कुल है। लेकिन कितनी मैं इज्जत नहीं किया, बट क्या है कि इतना तजुर्बा नहीं जितनी उनको दी जाती। उन डीजेस के लिए मैंने अपनी जो मेरी कंपनी आन कॉर्प है, मैं न्यू कमर को ही चांसेस दूंगा। मुझे पता है एक नाम के साथ दूसरे वाला छोटा नाम दब जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि उससे अच्छा जोनर नीचे वाले के पास है, तो उस जोनर के लिए मैंने अपनी आन कॉर्पोरेशन को बनाया है जिसके अंदर मेरा इवेंट्स हैं, मेरी फिल्म प्रोडक्शंस हैं, न्यू कमर्स को चांसेस हैं देने का है। ये भी उनके लिए मैं लेके आ रहा हूँ शहर के अंदर। बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम नहीं कमा पाते पर म्यूज़िक अच्छा बजाते हैं। लेकिन म्यूज़िक की जहाँ बात आती है, अभी हाल ही में जस्टिन का शो हुआ था, उसमें खाली फैंस ही नहीं, सेलिब्रिटी भी पहुँचे थे अपने फैमिली को लेकर, लेकिन जब उन्होंने उसके साथ चीट किया, उन्होंने लिपसिंग किया खाली, 70,000 की टिकट लेकर अगर लिपसिंग हो रही है तो कितना बुरा लगता है? लगता है एक सुनने वाले के दिल पर ठेस पहुँचती है, मैं मानता हूँ, पर जस्टिन बीबर इज़ द बिग नेम। आज वो नाम बेच रहा है, वो अपनी क्वालिटी नहीं भेज रहा। जब उसने एक अपना फर्स्ट ट्रैक निकाला था उसकी ट्रैक में वो क्वालिटी थी, आज वो नाम बेच रहा है, उसको पैसा चाहिए। मुझे मेरे को मैं म्यूजिक मेरा शौक है, मेरा जुनून है, मेरे को अपने म्यूजिक को लेके ना ही तो कोई ना अपनी डीजिंग को लेके कोई मतलब क्लैश कर ही नहीं सकता। मैं अपनी ऑडियंस से अपनी सेलिब्रिटी उसके साथ चाहने वाले उसके साथ उनकी फीलिंग साथ कभी खेल भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं भैया, इमोशंस रखते हैं और इमोशंस की कदर करते हैं। मैं आइडल अपने टीचर को मानता हूँ, इज़ माई टीचर इज़ अ वेरी फेमस नेम, डीजे विक्की इज़ द 2014 टर्नटेबल आर्टिस्ट और वही मेरे टीचर हैं। तुतक तुतक तुतियां है जमालो, एक गाना आया था 80-90 के दशक में, वो गाना सबसे ज़्यादा उसकी कैसेट्स बिकी थी, ढोल बेस ही था, और वो गाना आज भी ऐसे ही है। बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो आज भी ढोल बेस्ड है। उस टाइम इतनी पॉपुलरिटी जो है मिली थी शायद ही किसी को मिले। एक पंजाबी सिंगर्स को आज भी पॉपुलरिटी मिलती है, फेमस होते हैं, पर वो क्या है कि जो आज आप दलजीत को सुन लो, आप अम्मी विक को सुन लो, आज पॉपुलर है क्योंकि वो क्वालिटी दे रहे हैं। आज आपने एक ट्रैक बनाया,
म्यूज़िक कहीं जा रहा है, बीट्स कहीं हैं, वर्ड्स कहीं हैं, पर वो ये लोग जो है अपनी जो 100% डालना है म्यूज़िक को लेके वो डालते हैं। तो ऐसे ही मैं कुछ देना चाहता हूँ। जिस इलाके से आप बिलोंग करते हैं द्वारका जनकपुरी, वहीं के आपको शायद मालूम होगा मिक्का जागरण में गाना गाते हैं। हाँ, हाँ, पाजी आज काफी गिना चुना मिक्का है, सुनिधि चौहान है, सभी से निकले दिल्ली से, मतलब एक कड़ी में एक नाम और जुड़ गया आपके साथ। तो क्या चैलेंजिंग आपके लिए कि मेरा नाम जो है कि उनके साथ मेरा उन देखो भगवान की दया से बहुत ऊंची हस्ती है और मेरा चैलेंज उनसे किसी से भी नहीं है, मेरा चैलेंज खुद से है कि मुझे खुद अपना बेस्ट देना है, तो मेरे को किसी से चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप से चैलेंज करता हूँ मैं। आपके साथ में और कौन कौन है? मेरे साथ डीजे लोए है, मेडोक है, टेरी मिको है, मेरा एक जुगलबंदी पार्टनर डीजे विक है, वो आज नहीं, वो कल आ रहा है, ये लोग हमारे साथ, डीजे सैंडी है, एक विदेशी कन्या भी है, उसका नाम छुपा रहे हैं आप, टेरी मिको। क्या है टेरी मिको अगर बात करें? टेरी मिको इज वेरी इंटरनेशनल आर्टिस्ट और उनका जो जोनर है वो EDM जोनर है और लोग मुंबई शहर के लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं क्योंकि कहते हैं ना कि बाहर से कोई आता है उसको एक रिस्पेक्ट दी जाती है, तो इस वजह से टेरी मिको को लोग पसंद करते हैं और एक अच्छा म्यूज़िक बजाना जानते हैं। लॉयड है, इज़ द वेरी गुड बॉलीवुड, और अपना मेडोक है, इज़ द रॉकिंग ऑफ द EDM म्यूज़िक। आपको लगता है कि रमजान का महीना है और इसमें इतनी भीड़ आ पाएगी, लोग भूखे प्यासे इतना करेंगे इसके ऊपर, क्या लगता है? मैं ये इवेंट पूरे मुंबई शहर को लिए कर रहा हूँ कि एक सिंगल कम्युनिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो आएंगे, सब आएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि बॉम्बे सबका है। बट मुस्लिम माना जाता है कि एक महीने तक वो ना ही कुछ पाप जैसे काम कर सकते, तो पाप थोड़ा ही कर रहे हैं, मतलब म्यूजिक नहीं सुन सकते, ना ही देख सकते, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। जो म्यूजिक के शौकीन होते हैं ना उनको आप 7 तालों में बंद रखो, वो फिर भी आ जाते हैं सुनने के लिए। और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को अच्छा म्यूजिक दे रहा हूँ। रमज़ान, आपने रमज़ान की बात करी है, तो आज TV चैनलों पे आप देखिए तो रमज़ान के कुछ गाने आ रहे हैं, कुछ नई ट्रैक्स भी रमज़ान में आते हैं, आप मस्जिद जाते हैं वहाँ पर भी पीछे कुछ बज रहा होता है, तो आप उस चीज़ को फिर कह सकते हैं। तो मैं तो एक अच्छी चीज़ दे रहा हूँ शहर को, और रमज़ान के वो पाक महीने में दे रहा हूँ रमज़ान की। सर, बॉलीवुड की त्यागी जी की बात करें, बॉलीवुड की अगर बात करें, एक कुछ खास खास चीज़ें हैं जो मुंबई में बटी हुई हैं, जो त्यागी कम्युनिटी है वो सिर्फ स्टंट में मानी जाती है बॉलीवुड में। तो स्टंटी तो कर रहा हूँ, अच्छी मिक्सिंग करके, अच्छा क्यू उठा के, ये भी स्टंटी है, क्योंकि जो गन सप्लाई वगैरह जो भी है इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है त्यागी। वो मेरे रिलेटिव भी है, वो मेरे रिलेटिव है, इज द बिलोंग टू मुजफ्फरनगर के पास एक गांव में बरला जी, वहाँ के हैं वो। कल ही मेरे उनके घर का मैसेज ये आ जाइया। अच्छा, टिकट की बात करें सर, कितना क्या अमाउंट? हाँ, टिकट अभी बेसिकली 750 इज अ स्टैक, 1000 है एक 2000 इसके अंदर, 1000 द टिकट एंट्री, 1000 द कवर चार्ज, कपल्स के लिए 1500 और 3000 इज द 15। हाय, इंग्लिश इज फाइन, राइट? हिंदी में चलो, हिंदी, ओके। हाय, मेरा नाम अनुराग चड्डा है, सो आर्टिस्ट नेम है मैडॉक। पिछले 11 साल से आई हैव बीन डीजेइंग एंड मैडॉक के नाम से पिछले 5 साल से ये इंडस्ट्री में हूँ। अभी म्यूज़िक भी बनाता हूँ मैडॉक के नेम के अंदर, जो आपको सब जगह ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। एंड वी बहुत एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ मुंबई म्यूजिक फेस्टिवल हैपनिंग नेक्स्ट सैटरडे ऑन द 10th ऑफ जून एट माटारी नाइट क्लब इन मुंबई। क्या क्या तैयारियाँ की हैं? तैयारियाँ तो अभी शुरू की है, प्लान बना रहे हैं कौन कब कैसे बजाने वाला है, तो अकॉर्डिंगली म्यूज़िक डिसाइड करेंगे क्योंकि सबका अलग अलग होना ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि जो 7 DJs हमने सिलेक्ट किए हैं सब अपने कैटेगरी में बहुत अच्छे इस्टेब्लिश नाम है, सो वंस वो फाइनलाइज हो जाए कि कौन कितने बजे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, फिर अकॉर्डिंगली हमारे सेट्स हो गए, फिर प्रमोशंस भी चालू हो जाएगी, सो वील बी पुशिंग दी नाइट फॉर द नेक्स्ट 10 डेज फुल फ्लेज्ड, फुल पावर। कितनी तैयारी चल रही है? एक चैलेंजिंग आपके लिए, क्योंकि अभी हाल ही में हुआ था जस्टिन का, उसको लेकर भीड़ को जुटाने हैं आपको काफ़ी? हाँ, जो नाम हमने अभी लिए हैं तो होपफुली सबकी मेहनत के साथ, इतने प्रमोटर सब बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व है तो सबके साथ होपफुली जगह भर जानी चाहिए, विच इज़ अ मेन एम, वो हो जाए तो अच्छी रात हो जाएगी। मेरे इंग्लिश होने वाले हैं बट हमारे पास अतुल जी है, लॉयड है, लॉयड जी सबके साथ बॉलीवुड भी होने वाला है, जैसे मैंने बोला सबका मिक्स होने वाला है। बॉम्बे में जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, अगर 100 लोग आते हैं
चार ग्रुप 25-25 के होते हैं जिनको सब कुछ अलग अलग चाहिए होता है, तो सबको खुश रखने के लिए सब होने वाला है। सर मुंबई में और स्टेट की बात करें, मुंबई में कुछ पाबंदियाँ रहती हैं सिंगिंग को लेकर, लगा लो फिर नाइट शोज को लेकर, टाइम की, कॉपीराइट की, तो उससे कितना अलग रहेगा? जैसे कुछ गाने हैं जिसको कॉपीराइट कैसे हुआ करेंगे हम नहीं कर सकते हैं, या कुछ गाने की इतने सेकंड का नहीं, वैसा जहाँ तक मुझे पता है अगर वेन्यू के पास सारे लाइसेंसेस है तो ऐसी कोई इशू होनी नहीं चाहिए। एटलीस्ट मैंने अपने 11 साल के करियर में कभी ये देखा नहीं है कि मुझे बोला गया कि इतने सेकंड में ख़त्म करो, हमारे पास लाइसेंस नहीं है। कई जगह देखा है जनरली बात में मीडिया की नज़र से कि ये रुकवा दिया जाता है इसकी, तो थोड़े होटल्स होते हैं जिनके साथ थोड़ी कंपनीज के लाइसेंसेस की पहले की इशू हुई हुई है जिनकी वजह से केसेस चल रहे होते हैं उनके ऊपर, बट बहुत रेयर होता है। अतुल जी मुझे पता है ढोल के साथ लाइव बजाने वाले, तो वो तो बड़े ही मतलब पंजाबी सेट करने वाले हैं। पंजाबी, मैं भी पंजाबी हूँ, बट शायद थोड़ी थोड़ी यूके पंजाबी हिप हॉप के साथ मिक्स कर देंगे, बट प्रिटी श्योर सबका अच्छा बैलेंस होगा। आई मीन सब एवरीबडी गेट्स अलॉन्ग वेरी वेल, सब अपने अपने स्टेज से आ जाके सब मिले हैं एंड बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी रिलेशन है सबके बीच में। नहीं यार, इट्स फन, बहुत मज़ा आने वाला है, कुछ चैलेंज की तरह से नहीं देखते हैं, बस बेस्ट पार्ट अबाउट हमारी जॉब यही है कि इट्स ऑल फन। एक बिजी के लिए बोलने और काम के साथ साथ एक लुक वाइज होता स्टाइल फॉलो का स्टाइल, ये सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रहता है मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि लोग आपको देखने आते हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट इम्प्रेशन आप कैसे दिखते हो उसी से होने वाला है। अगर आप लोगों को वही अपने किसी लुक या स्टाइल से अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो तो उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो मतलब खाली डीजेइंग में नहीं, कोई भी इंडस्ट्री में देख लो आप, अगर आप सिंगर। नाम मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि जब मैं लंदन में म्यूजिक प्रोडक्शन पढ़ रहा था तभी कोई मेरा नाम अनुराग बोल नहीं पाता था, तो 5-6 नाम रखे थे बीच में मैडॉक फाइनलाइज करने से पहले, तो इसलिए कि वो फिर जम गया नाम, इसलिए अभी उसी पे अभी काम करेंगे। कीप फॉलोइंग, मतलब म्यूजिक से बेटर कोई चीज़ नहीं है। आप अच्छे मूड में हो, ख़राब मूड में हो, गाड़ी में हो, घूम रहे हो, रन के लिए जा रहे हो, जिम में जा रहे हो, ये एक चीज़ है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, साथ में रखो एंड बस कीप फॉलोइंग योर पैशन इफ़ यू आर इन म्यूजिक एंड जस्ट कीप इट एज वन ऑफ द मेन हॉबीज इन लाइफ। हाय, माय नेम इज़ लॉयड गेसलर, I'm also known as DJ Lloyd, the Bombay Bounce, and I live in Bombay and the city of where all the action happens. So I feel privileged to be here. So इससे पहले आपने कौन-कौन से कॉन्सर्ट किए या फिर ये आपका? Actually मैंने हम लोग ने पहले बार एक कॉन्सर्ट किया था with Sonu Nigam, with Shan, with Salim Suleiman, and we did a collaboration of international dance music, that is I mean EDM, और उसको मिक्स किया विद बॉलीवुड म्यूजिक, दैट वी हैव टेकन टू दिल्ली एंड वी डन जयपुर, वी डन हैदराबाद एंड वी डिड क्वाइट अ बिग टूर। और उसके बाद आई हैव बीन टूरिंग विद सोनू निगम फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड आई वॉज एडिंग द डीजे एलिमेंट इन सोनू निगम्स परफॉर्मेंसेज, on stage performance as one of his band members. Plus, I was on the show called Amul Musica Maha Mukabla. So, on that show, I was sharing the stage with Shankar Mahadevan, Himesh Reshamya, with Shriya Ghoshal, with Shan, Mika, Mohit Chauhan, and of course, some of the most respected people from our music industry in India. So, I've had that privilege. Or internationally, I have worked with Britney Spears. I worked with Nicole Scherzinger, the girl I mean from Pussycat Dolls, jisne A.R. Rahman ke saath wo track kiya tha Jai Ho. Aur kafi sare, I mean actually I've had a chance to work with some very renowned celebrities in the world, and yeah, so that's a little bit of my journey. My genre is very versatile, so I mix up a lot of
bits and pieces from different genres. So a little bit of hip hop, a little bit of R&B, a little bit of EDM, a little bit of dubstep, trap. So जो भी अभी चल रहा है in the party scene, उसको मैं थोड़ा लेके I add a little more of my energy to make sure it is received well for the crowd, for the audience. So they feel the difference in the music, they feel the difference in what they like. So if they like a popular track like Kala Chasma, and if I make it a little different or make it a little thoda, add more beats to it, some more life to it, some more energy to it, so it changes the performance. So that's when I think my audience gets excited. Actually, I have multiple bootlegs and surprises which I create for my audience, and I would just like them to come and see what I have to offer instead of telling them what I have prepared. But yes, I have prepared something that will make them happy, which is what I prefer doing. My music is very happy. It is not techno. It is not some trance. It is not something that is not easy to understand. It is very simple. It is very easy to understand. Everyone likes it. People know how to sing along to it. So people enjoy, and I enjoy with the people. So we are all partying together. That's the kind of music and the way I relate to my audience. So for how many hours you are going to play? Because the time is 4 a.m. almost. I think a lot of people know me as a DJ who plays for 8 hours. Okay. But I think this time I will be playing for at least 2.5 hours or so, because we have many DJs, as you can see, who are very renowned and very professional, who will be sharing the stage. So I think everyone will be doing their best. So I'm going to take my best and put it into 2 hours or 2.5 hours. Okay. And present it to the crowd. Any message to the audience? The message is that if you're hearing this, I'm pretty sure that you would like to be a part of it, and I would encourage you to be a part of it, because this event is going to be very creative in terms of putting together different genres of music, different DJs with different styles of music. So it's like sab kuch ek raat mein, we have packaged a nice full on party weekend for a Saturday. So agar aap any jo bhi club mein jana cha rahe ho, I think this event is something that you just can't miss. So get your tickets on Book My Show or on any of the platforms to make sure that we don't get sold out.